कंचन की जेठानी ममता बहुत चालाक थी। शुरू से ही उसने सोच लिया था कि वो अपनी देवरानी को कभी भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देगी। कंचन उसे वैसे ही सीधी साधी देवरानी मिल गई। कंचन की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन घर में रिश्तेदारी की कुछ खास औरतें आने वाली थी, तभी ममता अपनी सास से बोली, माँ जी ये तो आप ना मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। क्या हुआ, कौन सी नाइंसाफी कर दी मैंने? माँ जी जब मैं शादी होकर आई थी तो आपने चीनी छुपा दी थी और बोला कि बिना चीनी डाले मीठी चाय बनाकर दिखाओ। तब मैंने गुड़ की चाय बनाकर दिखाई थी, पर आप कंचन की कोई भी परीक्षा नहीं ले रहे हो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है हम कंचन की भी परीक्षा ले लेते हैं, फिर तो तुम नहीं कहोगी ना। पर कंचन से करवाएं क्या? बिना घी के पराठे। आप कंचन को बोलो कि आज जो मेहमान आ रहे हैं वो उनके लिए बिना घी के मुलायम पराठे बनाए। पराठे बिना घी के तो सूख जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि पराठे सूखे और कंचन परीक्षा में फेल हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो, बिना घी के पराठे ही बनाने हैं ना या कुछ और? हाँ हाँ वही बनवाने हैं, आप कंचन को बुलाकर बोल दो। कंचन की सास उमा ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बहू जो भी मेहमान आ रहे हैं सबके लिए पराठे बनाने हैं। जी माँ जी मैं बना लूंगी, घी कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए। पराठों में घी नहीं लगाना, बिना घी के पराठे बनाने हैं। मुलायम बनाना, पराठे मुलायम होने चाहिए। माँ जी बड़ी मौसी जी के तो दांत ही नहीं है, नकली दांत है, वो तो वैसे भी मुलायम पराठा खाती हैं। हाँ दांत तो बड़ी मौसी जी के साथ साथ जेठानी जी के भी खराब हैं। कई बार बोलती है कि सख्त चीज नहीं खानी। कंचन बहू इस बात का ख्याल रखना, पराठे सूखने नहीं चाहिए। जी मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। कंचन रसोई में पराठे बनाने के लिए चली जाती है और ममता मन ही मन हंसने लगती है। अब आएगा मजा जब पराठे लकड़ी की तरह सूखे होंगे और यही माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बड़ी बहू ज्यादा समझदार और बेहतर है, छोटी बहू बेकार है। कंचन सोच में पड़ गई कि बिना घी लगे पराठे मुलायम कैसे बने जो खाने में भी स्वादिष्ट हो। कंचन अपना मोबाइल फोन इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसका मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मम्मी को फोन पर कोई तरीका पूछ ले, या फिर फोन में कोई तरीका मिल जाए जिससे बिना घी के पराठे स्वादिष्ट और मुलायम बनते हो। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल फोन कहाँ रख दिया, नहीं तो मैं मम्मी से पूछ लेती या फिर फोन में सर्च कर लेती, कोई तरीका मिल जाता, अब क्या करूं। तभी ममता आ जाती है। देवरानी जी आपका मोबाइल फोन मेरे पास है, माँ जी ने बोला है कि जब तक आप पराठे नहीं बना लेते तब तक मोबाइल मेरे पास रहेगा। भाभी बस एक सेकंड के लिए मैं फोन में सर्च कर लूं कि बिना घी के पराठे मुलायम कैसे बन सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, फोन में देखकर कुछ नहीं करना, माँ जी ने तुम्हें जो काम बोला है उसे खुद करो, नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। ममता भाभी आपको ऐसा तरीका पता है जिससे पराठे घी लगाए बिना मुलायम और टेस्टी बन जाए? नहीं मुझे कोई तरीका नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताती, मैं तुम्हारे नंबर थोड़ी बढ़ने दूंगी। मतलब कि काम तुम्हें दिया गया है और बताकर मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूं, सबके बीच में तारीफ की पात्र बनो तुम, और वो भी मेरे से पूछकर। आहा नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं और दूसरी बात पता होता तो भी ना बताती। ममता का ऐसा नेचर देखकर कंचन हैरान रह गई। ममता मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। भाभी का नेचर कैसा है, ये बात किस तरह से करती हैं? मैंने तो इनसे सिर्फ हेल्प मांगी थी, ये तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही हैं और मेरा मोबाइल फोन भी ले गई, जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं कोई दुश्मन हूँ। मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा, ये तो मेरी हेल्प करेंगी नहीं। कंचन सोचने लगती है तभी उसे कुछ याद आता है। मम्मी ये आप आटे में दूध क्यों मिला रहे हो? बेटा तू तो जानती है तेरे बाबूजी घी लगे पराठे नहीं खाते, इसीलिए दूध का आटा गूंथ रही हूँ, इसमें थोड़ा नमक अजवाइन मिलाऊंगी। मम्मी दूध डालकर बिना घी के पराठे मुलायम और टेस्टी बन सकते हैं? हाँ तो और क्या, अच्छे से आटे को गूंथना है फिर तो घी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूध डालने से आटा मुलायम हो जाता है। थैंक यू मम्मी, मुझे आपकी वो बात याद आ गई। आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं हो पर आपसे सीखी हुई वो बात आज मेरे काम आ रही है। हाँ मैं दूध का आटा गूंथ कर उसके पराठे बनाऊंगी, नमक अजवाइन के दूध के पराठे। कंचन ने खूब सारा दूध लेकर आटे में अजवाइन मिलाया और दूध का आटा गूंथा, अच्छे से मुलायम आटा तैयार हो गया। जब मेहमानों ने कंचन के हाथों के बने पराठे खाए तो सबको इतने स्वादिष्ट लगे कि सबने बहुत तारीफ की। कंचन बहू पराठे तो इतने स्वादिष्ट बने हैं और इतने मुलायम कि मेरे मुंह में घुल गए, वाह वाह वाह।
दीदी पराठों पर घी नहीं है, आप बिना घी के पराठे खा रही हो। कंचन हमें भी बताओ ये तरीका जिससे बिना घी के तुमने इतने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। हाँ हाँ तरीका तो मुझे भी जानना है ताकि घर की बहुएं ऐसे ही बिना घी के पराठे बना सके। जी मैंने ये पराठे दूध का आटा गूंथ कर बनाए हैं। मेरी मम्मी कभी कभी पापा के लिए ऐसे ही बनाती थी पराठे, तो मुझे याद था इसलिए आज मैंने वही तरीका अपनाया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको यही पराठे पसंद आए। सब मेहमानों के जाने के बाद कंचन की सास एक बार फिर उसकी तारीफ करती है। ममता भी वहीं खड़ी थी। कंचन बहू पता है जब ममता इस घर में आई थी तब मैंने इसे बिना चीनी की चाय बनाने के लिए कहा था, तब ममता ने गुड़ की चाय बनाई थी और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली, तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए कहा पर तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। थैंक यू माँ जी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है, आज मुझे एक बात का बहुत दुख है। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ। कंचन सारी बात बता देती है कि ममता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ममता मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कंचन इस घर में नई नई आई है तो तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने भी तो गुड़ की चाय बनानी कहीं सीखी होगी, तभी तो तुम इस परीक्षा में पास हुई थी। आई एम सॉरी कंचन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी माँ जी, वैसे गुड़ की चाय बनाने मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी इसीलिए मैं आसानी से बना पाई। कंचन अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी, हम मिलकर प्यार से रहेंगे। ममता कंचन को सॉरी बोल देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी न कभी सीखा हुआ ज्ञान हमारे जरूर काम आता है, इसलिए जहाँ भी ज्ञान की कोई बात सीखने को मिले तो हमें जरूर सीखनी चाहिए, यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे आह। ये क्या हो गया जी, जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया, तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हस्ती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेले ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन ले जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काट कर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो, रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना। बीना बहन हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ।
घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी। इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं? वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं, लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है, तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ, एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।